हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम लेके आए हैं हिमाचल की तरफ से। तो चलिए, अभी हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी माता मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिंतपूर्णी माता का जो है यहाँ से अभी 22 किलोमीटर है, और अभी हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी गए हैं, बस इसी को देख के हमने बोल दिया कि चलो आपसे बात कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये रहा यहाँ का व्यू। तो बाकी यहाँ की हिमाचल की जो खूबसूरती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए अभी हम निकलते हैं, बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ सब। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए चिंतपूर्णी माता का मंदिर अभी यहाँ से 22 किलोमीटर है और ऊना 73 किलोमीटर है। तो चलिए, हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर और माता यहाँ से अभी 22 किलोमीटर है। तो चलिए फटाफट से पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम बन गया है, बारिश कभी भी आ सकती है। उससे पहले हम फटाफट से माता के दर्शन कर लेंगे। तो अभी बस पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से अभी 7 किलोमीटर रह गया था, और अभी हम जैसे पहुंचेंगे तो ये देखिए माता चिंतपूर्णी माता का मंदिर का जो बोर्ड है वो हमें दिख गया था, और यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया था। तो चलिए अभी फटाफट जैसे पहुँचेंगे, क्योंकि बारिश ऐसे लग रहा है कि बारिश अभी झट से पड़ने ही वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, रश था गाड़ियों का, मतलब अभी आगे की पार्किंग मिलेगी या नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं आगे जाके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पार्किंग जितनी भी होती है ना फुल हो जाती है, तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी और हम जल्दी से आगे, क्योंकि जैसे हम माता के दरबार निकट पहुँचने वाले थे तो बारिश पड़ना शुरू हो गई थी, छोटी छोटी बूंदें पड़ना शुरू हो गई थी। तो हमने क्या किया कि प्रसाद वगैरह ले लिया था और हम निकल पड़े माता के मंदिर की ओर। और यहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है फ्रेंड्स, आपको जो भी चाहिए होता है यहाँ से मिल जाता है, बहुत बड़ी मार्केट है। और यहाँ से देखिए मैंने आपको माता के चरण स्पर्श करवा दिए हैं, और ये रही माता चिंतपूर्णी माता का मंदिर, सामने आगे आपको दिख रहा है। और चलिए देखिए अभी जयकारा लगाते माता का, आगे बढ़ते जाएंगे। और मैंने हमेशा माता के जो मंदिर है वो हमेशा लाइव वीडियो में देखा है, लाइव आरती देखी डेली हम ऐसे देखते थे, लेकिन आज देखिए मैं माता के दर्शन करने भी आ गई। माता ने बुलाया था तो हमने दर्शन करने आ ही गए। देखिए तो अभी यहाँ आकर ना इतना मन खुश हो गया था कि हमने हमेशा मतलब लाइव आरती देखी है, लेकिन आज देखिए मैं खुद यहाँ पे आ गई माता का दर्शन करने। तो देखिए ये रही हमारी माता चिंतपूर्णी, सबकी चिंता करने वाली माता है ये। और आप भी माथा टेक कर जो माता से विश मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, क्योंकि माता सबके दुख दूर करती हैं, सबकी जितनी भी टेंशन चिंता जितनी भी होती है ना सब हर लेती हैं। तो चलिए अभी देखिए हमारे दर्शन यहाँ से हो गए थे, और यहाँ पे हमारे पुजारी जी ने हमारी जो विश है वो पूरी करवाई माता की और माता देकर। तो यहाँ देखिए पंडित जी हमारी पूजा करवा रहे थे, तो हमने बेबी को लेकर फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे, तो इसलिए हमारी पूजा तो थोड़ी सी बनती थी। तो चलिए अभी हम आ गए थे बाहर, तो यहाँ पे देखिए अभी जो बारिश पड़ना है वो कम हो गई थी फिर से, क्योंकि बारिश लगने तो वाली थी लेकिन अभी आगे यहाँ पर नहीं पड़ रही थी। ये माता ही की शक्ति थी कि हमारे ऊपर बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चों का सवाल है, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। और देख सकते हैं बादल इतने ज़्यादा थे, और यहाँ पे देखिए कंजकाएँ जो है पूजी जा रही थी माता को, और यहाँ पे जितनी भी देवियाँ मिलती हैं ना तो यहाँ पे कंजकाएँ पूजी जाती हैं। और माता तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसको तो पैसे मिल गए थे, और यहाँ पे देखिए अभी उसका जूस बन गया था एक, बहुत ही खुश हो गई थी कि मेरे को पैसा मिल गया, मेरे को दिखा रही थी। तो बच्चों को ना बोली आज जब पैसों की समझ आ जाती है ना तो तब तो बहुत खुश होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए सब लोग माता का मतलब एंजॉय कर रहे हैं, अभी बाहर आकर फोटो सेल्फी ले रहे हैं। और हमने भी सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं यहाँ का माता के मंदिर का। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है पेड़ का जो पौधा है, पेड़ है इतना बड़ा बड़ी का, तो यहाँ पे ही माता विराजमान है। और ये जो है बाकी आप हिमाचल का व्यू दूर से देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा सुंदर लग रहा है यहाँ से, बस यही यहाँ से सीनरी दिखाई देती है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए अभी देखिए हम अभी जो है अभी मतलब रोने लगा था कि जिद कर रहा था कि अभी चलो चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं नीचे क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, मुझे बारिश का ज़्यादा डर था। और यहाँ से हमने लिया था प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे हमारी जो मुलाकात है वो सचित से हुई थी, जो कि सुपर डांसर हैं। आप देख सकते हैं इनका चैनल भी है, सचित के नाम से आप लिखोगे तो इनका चैनल आ जाएगा। काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं ये, तो डांसर सुपरस्टार डांसर हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम माता के दरबार से होके आगे हैं, अभी हम जा रहे हैं सीधा घर पे। तो पठानकोट के लिए हमने नेविगेशन जो है लगा दिया है, तो अभी चलते हैं सीधा पठानकोट। तो बच्चे अभी बहुत थक चुके हैं और अगर सोना चाहते हैं तो सो भी सकते हैं। तो चलिए, खाना वाना नहीं खाया हमने क्योंकि टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, तो कुछ रास्ते में खा लेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा घर पे। और अभी कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो अभी मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, घर का ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।